अस्सलाम वालेकुम। आज एक क्राफ्ट वीडियो संगत हाजिर हैं। आज हम कुछ बना रहे हैं इस लकड़ी के एक पीस पर। ठीक है, ही जो काठ जो पीस आहे यो पेरू का यूज्ड है, ये पहले से यूज्ड है, इस पर कुछ बना हुआ था तो मैं इसकी बैक साइड यूज़ कर रही हूँ। इस लकड़ी के पीस को मैंने पेंट कर लिया है वाइट एक्रेलिक पेंट से। ठीक है, इन काठ के पीस के उन पास का पेंट को न करा छो तो इनके साफ करण में इनमें टाइम लगे हा, मेहनत लगे हा, अलग केतरो साफ थे इन कर बैक साइड से यूज़ क्या इनके वाइट एक्रेलिक पेंट से एकड़ो कोट कर चुकी आया। तो अगर आप ये बनाना चाहें और आपके पास वुडन पीस ना हो तो आप इस तरह से कोई मोटा गत्ता थिक ले सकती हैं और उसको पेंट करके ये बेस जो है वो रेडी कर लें। ठीक है, सो ज़रूरी ना है तो सभी वट काठ जो पीस हुए के जगह ही शे ठाणी हुए तो इन लाइ कोई भी पाठे जो थुल्लो पीस खड़ी सको था उनके यूज कर सको था। ठीक है, सो इनके मां पेंट किया एकड़ो कोट किया वो ड्राई थी वे एक कोट करके मैंने इसको सुखा लिया है। मैं इसको कुछ डेकोरेट करूंगी जिसके लिए मुझे बटन्स तो लाजमी चाहिए। आप किसी भी साइज़ के बटन ले सकते हैं। कुछ ये थोड़े से रंगीन चमकीले फूल हैं, कुछ ये मेरे पास फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं डो की। इस तरह की अगर डो की आपके पास नहीं होंगी, जाहिर बात है सबके पास तो नहीं हो सकती है, तो आप वुडन कटआउट्स इस तरह के मिलते हैं मार्केट में, आप वो बटन या इस तरह की कोई भी चीज़ ले सकती हैं, या नहीं तो आप फोमिक शीट में से इनको काट सकती हैं। ठीक है, सो इनके डेकोरेट करण लाइ इन पीस के असांखे ये शयूं कुछ खपंदियूं, जंहिंमें बटण मूंखे लाज़मी खपनि। ठीक आहे, ऐं हिकिड़ी सुतली खपंदी, कपिड़े जो नंढड़ो पीस खपंदो, हीअ ग्लू खपंदी क्राफ्ट जी ग्लू। पेंट सुकाए चुकी आहियां मां, हिन ते मां लिखंदमि हिकिड़ो कोट। इस पे मैं एक कोट लिखना चाहती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कोट ले सकते हैं। मैं जो इस पे वर्ड्स लिखने वाली हूँ उसके साथ मुझे बटन्स चाहिए, आप अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो सभिनी खां पहिरियों त मां पेंसिल सां हिनखे लिखंदमि, जेको भी मूंखे लिखणो आहे बिल्कुल लाइट मां लिखंदमि, त जीअं अगरि किथे थोरी घणी मिस्टेक थी वञे त मां हुनखे मिटाए बि सघां। ठीक है, पेंसिल से मैं हल्का सा इसको पहले लिख लूँगी और अगर वो शेप और अल्फाज स्पेलिंग सब मेरी मर्ज़ी से वो सही होंगे तो फिर मैं इसको मार्कर से डार्क करूँगी। ठीक है, पोइ असां हिनखे मार्कर सां लिखंदासीं पर पहिरियों पेंसिल सां। सो अॻिमें मां हिन ते कोटेशन लिखां थी, जेको बि वर्ड्स मूंखे लिखणा आहिनि, उन खां पोइ असां हिनखे डेकोरेट कंदासीं। कोटेशन मां हिन ते लिखी छॾियो आहे, जेको बि मां हिन ते लिखियो आहे पेंसिल सां लाइट लाइट लिखियो आहे ऐं मां हिन मां बिल्कुलु सेटिस्फाई आहियां। ऐं हाणे मां हिन परमानेंट मार्कर सां हिनखे जेको आहे लफ़्ज़नि खे नुमाया कंदसि। अभी ये परमानेंट मार्कर है मेरे पास, इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा नुमाया कर लूँगी ताकि ये दिखने में भी अच्छा लॻे। जेकॾहिं तव्हांजी राइटिंग सुठी हूंदी पोइ त वाह वाह, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी फिर तो ज़बरदस्त, लेकिन मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि शौक़ तो शौक़ होता है ना। तो जब ये इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी तो फिर शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिखा है। मेरे पास मोटा मार्कर नहीं है, ये बारीक लिखने वाला है, लेकिन मैं इसको फिर डबल कर लूँगी। और इसमें फ़ायदा ये है कि अगर कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो आप उसको रबड़ से इरेज़र से मिटा भी सकते हैं। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, सो इनके मां कंप्लीट करे वठा। ये ॾिसो हिन सॼे खे मां जेको आहे मथां मार्कर सां लिखी वई आहियां। वॾा लफ़्ज़ जेके आहिनि टे उन्हनि खे मां थोरो नुमायां कयो आहे वधीक थुली लाइन सां, ऐं जेके नंढा विच में लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि खे मां ईअं ई रहणु ॾिनो आहे। सिंगल सिर्फ़ु मार्कर हुनजे मथां फिरायो आहे। मदर्स आर लाइक बटन्स, दे होल्ड एवरी थिंग टुगेदर। जीअं बटण हूंदो आहे न किन बि ॿिनि हिसनि खे पाण में ॻंढे रखंदो आहे, त माइरूं बि ईअं हूंदियूं आहिनि जेके पंहिंजे बचनि खे ॻंढे रखंदियूं आहिनि। सो हिते बटन्स जो ओ जेको आहे मां खाली छॾे ॾिनो आहे, ओ जी जाइ ते मां हीअ बटन हणंदमि। ठीकु आहे, इहो ओ जो है यहां पे इसको मैंने खाली छोड़ दिया है, तो इस पे मैं ये बटन लगा रही हूँ ग्लू के साथ, क्योंकि बटनों की बात है तो इस पे ये बटन सूट करेगा बीच में, तो साइज़ ऐसा ही होना चाहिए जो यहाँ पे फिट हो जाए। ठीक आहे, हिनखे असां बिल्कुलु हिते फिक्स था कयूं, इहो थियो फिक्स। हाणे असां हिनखे कंदासीं जेको आहे डेकोरेट। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ जो फूल पत्तियाँ मेरे पास हैं, पहले मुझे चाहिए इसमें से हार्ट्स, क्योंकि माँ का जिक्र है तो हार्ट के बग़ैर तो नामुमकिन है ना। ठीक है, सो इतने हार्ट्स असा हणंदासीं पहिरियों,
ये हार्ट लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस तरह की छोटी बड़ी मिल जाती हैं मार्केट में आजकल, तो फोमिक शीट के भी कटे हुए मिल जाते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सो मां इनके डेकोरेट करे पोता सा शेयर थी क्या हार्ट लगाएं खपो। ॾिसो ही हार्ट्स मां हिन ते चिंबड़ाए छॾिया आहिनि। ये एक बंच हार्ट्स का मैंने इस पे चिपका दिया है। एक और लगा लेती हूँ छोटा सा। ठीक है, इन सां ही सुहिणो लॻंदो ॾाढो, ये बहुत प्यारा लगेगा इसके साथ। और ये फूल पत्तियाँ मैंने यहाँ पे ऐसे रखी हुई हैं, इनको ग्लू लगा के मैं यहाँ पे सेट करती हूँ। ॾिसो टॉप हिन जो जेको आहे मां डेकोरेट कयो आहे, इसके टॉप को मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। ये देखें, ठीक है। और इनके फूलों के ऊपर मैंने ये छोटे जो मेरे पास फूल हैं प्लास्टिक के चमकीले नग वाले, वो मैंने लगाए हैं। तो ये जो है असो थी वो है मथो हिस्सो ऑलमोस्ट डेकोरेट। हाँ मैं अड़ी सेम डेकोरेशन हेठा कदम इसी तरह से, जैसे मैंने ये फूल पत्तों से इसको सजाया है, तो मैं नीचे से भी इसको इसी तरह से सजाऊंगी। ये ॾिसो हेठो साइड भी मां कंप्लीट कयो आहे। ॿिए टाइप जा पन बि आहिनि हिन में ऐं नंढा बटण बि आया आहिनि। इसी तरह ऊपर भी मैंने ये जो है दोनों दूसरे शेप के पत्ते भी लगा दिए हैं, और यहाँ पे मैंने दो बटन्स भी लगा दिए हैं। अब ये जो हमारे पास बटन हैं बाकी, बड़े भी हैं, दरमियाने भी हैं, छोटे भी हैं, इनको हम अरेंज करेंगे इसके साइड में। इसको मैं अरेंज करने के बाद शेयर करती हूँ। ठीक है, सो ही असां मुख्तलिफ साइज़ ऐं कलर्स जा बटण हिन में अरेंज कंदासीं ऐं पोइ मां तव्हां सां शेयर। हे ॾिसो ही कंप्लीट थी वियो। इसमें मैंने बहुत सारी जॻहियुनि पे जो है वो लॻा दिया है बटन्स, बिल्कुल छोटे साइज़ के भी, दरमियाने साइज़ के भी, और बड़े भी, बड़े ये भी ज़्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, सो ही कंप्लीट आहे। ऐं हिन खे थोरो मां अञा कुझु हिन में करणु चाहियां थी साइड ते, त मां हिन में रेड कलर जे पेंट सां डॉट्स हणंदमि, क्योंकि अगरि मेरे पास बहुत टाइनी बटन्स होते तो मैं वो लॻा देती, वो नहीं, इसलिए मैं डॉट्स लॻा रही हूँ। ठीक है, सो ही रेड एक्रेलिक पेंट आहे मुझो डॉटिंग टूल। ये टूल मैंने खुद बनाया था, ये टूथपिक में ग्लू के साथ एक मोती फंसा दिया और ये मेरा एक टूल बन गया। आप इस तरह देखें। ठीक है, सो ही मां ॾाढो धोई पोई वराए साफ़ करे रखंदी आहियां। ऐं मुंहिंजी ॾाढी कीमती शइ, कीमती कीमत जे लिहाज़ खां न, पर कीमती पंहिंजे कम जे लिहाज़ खां। सो हिन सां मां कुझु डॉट्स हिन जे साइड ते ठाहे वेंदमि। ॾाढो आसान हूंदो आहे हिन तरीक़े सां डॉट्स कढणु। हीअ ॾिसो पेंट में हिन खे असां डिप कयोसीं हल्को, हिकिड़ो नंढिड़ो टाइनी डॉट ॾिसो। त हीअ डॉट्स जेके आहिनि मां हिन जे बॉर्डर में ठाहे वेंदमि। त इहे तव्हां जेके आहिनि कोई बि तव्हां वटि अगरि अहिड़ो प्रॉपर टूल हुजे डॉट्स कढण जो, तव्हां उहो यूज़ करे था सघो, न हुजे त तव्हां मुंहुं वांगुरु क्रिएट करे था सघो। ठीकु आहे न, अगर आपके पास प्रॉपर कोई टूल हो तब तो अच्छी बात है, ना हो तो आप क्रिएट कर लें। और दूसरी बात ये कि जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है, जो कुछ भी, आप उसको ब्लैक पेंट से भी लिख सकते हैं, पेंट ब्रश के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्कर यूज़ करें। मेरे पास मार्कर था तो मैंने मार्कर यूज़ किया है, और पेंट ब्रश भी इसके लिए यूज़ हो सकता है। सो वह तव्हांजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे त तव्हां हिनखे कीअं यूज़ कंदो। सो हिन जे विच में हिते हुते बॉर्डर में मां सना ऐं थोरा मीडियम साइज़ जा डॉट्स ठाहे थी वञा। हिन जो बॉर्डर भी कंप्लीट थी वियो। ये है कंप्लीट इसकी शकल। अब मैंने जो है बटन से रिलेटेड कोट लिखा है, तो मैंने बटन ज़्यादा लगाए। अगर आप फूलों से रिलेटेड लिखें किसी भी चीज़ से, तो आप वो इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, सो ही मुझो रेडी आहे। तव्हां पंहिंजी मर्ज़ीअ सां बेस काई बि खणी सघो था, किसी भी तरह की बेस आप ले सकते हैं, कलर उसका कोई भी कर सकते हैं। वुडन हो, अगर आपके पास प्लास्टिक की कोई शीट है, या आपके पास कुछ नहीं है तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं। ठीक है, ही बेस जेका है तव्हां मां वाइट ठाही आहे, तव्हां जहिड़ी बि ठाहिणु चाहियो पंहिंजी मर्ज़ीअ सां ठाहे सघो था। हिन खे असां हैंग करण जे लाइ बैक साइड ते जेका शइ यूज़ कंदासीं उहा आहे हीअ सुतली। हमें ये सुतली चाहिए और कपड़े का पीस चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको हम लगा लेते हैं इसकी पीछे, इसको हैंग करने के लिए इतनी हमें सुतली चाहिए, जितनी इसकी चौड़ाई है उससे कम। ठीक है, जितनी इन जी वेकर आ उनका नंढी असांखे सुतली खपंदी। हाँ, हिन जे बिन्ही सुतली जे सिरन के असां हणंदासीं ग्लू। इस पे ग्लू लगा लेते हैं हम, दोनों सिरे जो है इसके, उस पे ग्लू लगाएंगे और इसको हम बैक साइड पे चिपकाएंगे।
और सिर्फ ग्लू काफ़ी नहीं है, ये अभी गीला हो रहा है मुझे, तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि ये ख़राब ना हो जाए। ठीक है, सो ये असा इनके सुतली चिमड़ाइंदा से पोया, इसको खींच के अच्छी तरह से फिर चिपकाना है, और ये कि सेंटर का ख्याल रखें। ठीक है, सो ही पूरे विच ते पूरे सेंटर ते इनके सीधो करे चिमड़ाइणो आ। इसको पहले तो थोड़ा हम टाइम देंगे ताकि ये खुद ही जो सुतली है वो चिपक जाए, उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे दो कपड़े के पीस। ठीक है, ही कपड़े जा पीसेस इन्हनि ते ग्लू हणंदा से, ये हैंग करने के लिए है। कोई भी अगर ऐसी चीज़ इस तरह की आप लगाना चाहें और उसके ऊपर आप देखते हैं कि कोई भी लटकाने के लिए हैंग करने के लिए कुछ नहीं लगा हुआ, तो आप इस तरह से खुद लगा सकते हैं। ठीक है, सो पहले रस्सी ते ग्लू हई से, हाँ इन कपड़े के पीसिस से ग्लू हणी असाजे पोया चिमड़ा छदींदा से, तो ही असंखे जो इनके टंगण इनके हैंग करण आसान थी वेंदो। ये इनजो हैंग करण जो असा तरीको ठाया हुआ, हुक भी हो सकता है, कुछ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन अगर कुछ ना हो तो ये चीज़ें तो घर में होती हैं। ठीक है ना, अगर कुछ न हो जे लगाने जे लाए तो ये तो शे घर में आई आए, कान का डोरी होंगी, कपड़े जो पीस होंद, जैसे क्राफ्ट जो शौक है उन वट ग्लू भी ज़रूर होंगी। सो इनजो ही थी वो कंप्लीट हैंग करण वो साइड भी, ही इनजो फ्रंट साइड आ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो, ये मेरा काम कैसा लगा, और मैं इसको बना के बहुत खुश हूँ, और ये मैं अम्मी को अपनी अम्मी को भेजने वाली हूँ। ठीक है, सो अगर वीडियो तक सुठी लगी हुए तो मुझे मोट दिजो ज़रूर, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़िंदगी रही तो इस तरह का और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। हमेशा मैं चवंदी आहियां प्यार सां कम कयो, पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यार कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो, ऐं काई बि शइ बेकार नाहे, उन्हनि जो तव्हां यूज़ करे सघो था। हीउ हिकिड़ो बेकार जेको हुयो पीस, कंहिं कम जो न हो, यूज़ थियल हो, फिटल हो, त मां हिन जो ॿियो पासो हीअं इस्तेमालु कयां। सो मिलंदासीं वरी कंहिं ॿी वीडियो में, तेसिताईं अलावा ई।